सो हे गाइज व्हाट्सअप एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर वर्ल्ड चैनल राशन फोटोग्राफी। सो गाइज आज के इस न्यू वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को वर्ल्ड ऐप का मतलब अनलिमिटेड क्यूआर कोड यहां पर प्रोवाइड करने वाला हूं, जिसका गाइज आप लोग यूज करके वन क्लिक के अंदर अपने फोटो को यहां पर एडिटिंग कर सकते हो। और कुछ लोग यहां पर बोल रहे हो कि भाई हम क्यूआर कोड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी हेल्प से हम लोग कैसे मतलब फोटो एडिटिंग कर सकते हैं, तो इसके लिए गाइज एक ही शब्द बोलना चाहूंगा, अभी बता दे भाई, अभी बता दे, अभी तू। तो गाइज क्यूआर कोड कैसे डाउनलोड करना है और कैसे यूज करना सब कुछ आज के इस न्यू वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक एक स्टेप के अंदर यह बताने वाला हूं। तो अभी तक आप लोगों ने इस वाला वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लोग इस वाला वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और यह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे कर दीजिएगा डेली इस तरह का न्यू न्यू फोटो एडिटिंग वीडियो देखने के लिए। तो फिर विदाउट एनी टाइम गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड ट्यूटोरियल। ओके एवरीवन, सबसे पहले गाइज आप लोग का यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट स्टेप के अंदर आप लोग का मतलब हमारा टेलीग्राम मतलब ग्रुप को यहाँ पर ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा ये है कि मतलब ये सब जो क्यूआर कोड कैसे डाउनलोड करना है वो आप लोग को टेलीग्राम पर ही बताऊंगा, क्योंकि गाइज यूट्यूब पर डाउनलोडिंग प्रोसेस बताने का मतलब इलीगल है। तो प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जैसा ही आप लोग क्यूआर कोड को डाउनलोड कर लेगा तो सारा मतलब क्यूआर कोड आपके मतलब गैलरी में यहाँ पर शो हो जाएगा, जो कि देख ही सकते हो। मैं आप लोग को एक एक करके यहाँ पर दिखला देता हूँ। तो वन क्लिक के अंदर अपने फोटो को गाइज यहाँ पर एडिट करने के लिए और ये सब क्यूआर कोड कैसे यूज करना है ये सब जानने के लिए सबसे पहले गाइज आप लोग यहाँ पर क्या कीजिएगा, आप लोग अपने फ़ोन के अंदर का प्ले स्टोर एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन कर लीजिएगा और देन यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा सर्च बॉक्स के ऑप्शन पर यहाँ पर एक बार क्लिक करके यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा पोलर ऐप यहाँ पर आप लोग सर्च कर लीजिएगा। और गाइज कुछ लोग मतलब कमेंट करके ये बोलते रहते हैं कि भाई मेरे मतलब फ़ोन में मतलब पोलर ऐप काम नहीं करता है, तो भाई पहले आप लोग मतलब ओल्ड वर्जन को डिलीट कर दो और न्यू वर्जन को डाउनलोड कर दो, 110% आप लोग के फ़ोन में भी वर्क करेगा। तो ये वाला एप्लीकेशन गाइज डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले गया यहाँ पर आप लोग क्या कीजिएगा ओपन के ऑप्शन में यहाँ पर एक बार आप लोग क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पहले से ही डाउनलोड करके रखा हूँ। तो गाइस जैसे आप लोग पोलर एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आप लोग सामने कुछ इस टाइप का मतलब इंटरफेस देखने को मिलेगा, जो कि देख ही सकते हो गाइस आप लोग यहां पर। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर आप लोग यहां पर क्या कीजिएगा डिस्कवर के बगल में मतलब आप लोग को एक प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा, तो इस वाले प्रोफाइल के ऑप्शन पर आप लोग यहाँ पर एक बार क्लिक करके सबसे पहले गाइस आप लोग यहाँ पर क्या कीजिएगा अपने जीमेल आईडी को लॉग इन करके आप लोग यहाँ पर अपना प्रोफाइल क्रिएट कर लीजिएगा, क्योंकि मतलब जब तक आप लोग अपना प्रोफाइल यहाँ पर क्रिएट नहीं करोगे तब तक मतलब आप लोग क्यूआर कोड का यूज नहीं कर सकते हो। तो प्लीज़ आप लोग यहाँ पर प्रोफाइल अपना क्रिएट यहाँ पर कर लीजिएगा। तो प्रोफाइल बनाने के बाद अभी आप लोग यहाँ पर क्या कीजिएगा प्रोफाइल के जस्ट बगल में आप लोग का मतलब एडिट का ऑप्शन मिलेगा, तो इस वाला एडिट के ऑप्शन में यहाँ पर एक बार आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। तो आप लोग सामने मतलब दो ऑप्शन खुल के यहाँ पर आएगा, जो कि मतलब नंबर वन पर ओपन फोटो का एक ऑप्शन मिलेगा, तो आप लोग यहाँ पर क्या कीजिएगा ओपन फोटोज के ऑप्शन में यहाँ पर आप लोग एक बार क्लिक करके आप लोग को जो भी फोटो को यहाँ पर एडिट करना होगा आप उस वाले फोटो को यहाँ पर सिंपली से ऐड कर लीजिएगा। तो मेरे को यहाँ पर इस वाला फोटो को गाइज एडिट करना है, तो मैं इस वाला फोटो को यहाँ पर पोलर एप्लीकेशन के अंदर मतलब ओपन यहाँ पर कर लिया हूँ, जो कि देख ही सकते हो। मैं आप लोग को हल्का सा मतलब जूम करके यहाँ पर दिखला देता हूँ अच्छे तरीके से। तो वन क्लिक के अंदर अपने फोटो को यहाँ पर गाइज एडिट करने के लिए आप लोग यहाँ पर क्या कीजिएगा आप लोग का मतलब ऊपर साइड में शेयर के बगल में आप लोग का क्यूआर कोड का मतलब आइकॉन दिखेगा, तो आप लोग यहाँ पर क्या कीजिएगा इस वाले क्यूआर कोड के ऑप्शन में यहाँ पर एक बार आप लोग क्लिक करके यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा मतलब ओपन सॉरी यहाँ पर आप लोग क्या कीजिएगा इम्पोर्ट क्यूआर कोड के ऑप्शन में यहाँ पर आप लोग एक बार क्लिक कर लीजिएगा। तो फिर से आप लोग सामने यहाँ पर गैलरी ओपन हो जाएगा, जो कि देख ही सकते हो आप लोग यहाँ पर। तो अभी आप लोग यहाँ पर क्या कीजिएगा आप लोग जो मतलब क्यूआर कोड को डाउनलोड किए थे उस वाले क्यूआर कोड को यहाँ पर एक बार यहाँ पर इस तरह से ऐड कर लीजिएगा। सो गाइज मैंने यहाँ पर क्या किया इस वाले क्यूआर कोड को गाइज यहाँ पर ऐड कर लिया है, जो कि देख ही सकते हो आप लोग यहाँ पर। तो अभी आप लोग यहाँ पर क्या कीजिएगा सेव एंड यूज फिल्टर के ऑप्शन में यहाँ पर आप लोग एक बार क्लिक कर लीजिएगा इस तरह से। तो जैसे ही आप लोग सेव एंड यूज फिल्टर के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपका फोटो गाइज यहाँ पर वन क्लिक के अंदर एडिटिंग हो जाएगा, जो कि बिफोर एंड आफ्टर देख ही सकते हो आप लोग यहाँ पर। मैं आप लोग को हल्का सा मतलब दिखला देता हूँ, देख ही सकते हो आप लोग यहाँ पर बिफोर एंड आफ्टर। तो चलिए आप दूसरे मतलब क्यूआर कोड को यहाँ पर ऐड करते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर क्या करते हैं फिर से मतलब इम्पोर्ट फिल्टर के ऑप्शन में यहाँ पर एक बार क्लिक करके यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा फिर से मतलब इम्पोर्ट क्यूआर कोड के ऑप्शन में क्लिक करके दूसरे क्यूआर कोड को गाइस यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और गाइस अगर आप लोग के पास मतलब दो फोन है तो आप लोग यहाँ पर स्कैन वाले को भी यूज कर सकते हैं, जो कि मतलब स्कैन क्यूआर कोड का एक ऑप्शन है। तो आप लोग यहाँ पर क्या कीजिएगा आप लोग को मतलब दूसरे फोन में क्यूआर कोड को यहाँ पर इस तरह से ओपन करना है,
और देन यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, इस वाला स्कैन क्यूआर कोड के ऑप्शन में यहाँ पर एक बार क्लिक करके आप लोग अपने दूसरे फोन में मतलब क्यूआर कोड को यहाँ पर ओपन कर लीजिएगा और कुछ इस टाइप से मतलब इस तरह से इसको स्कैन कर लीजिएगा। तो जैसे ही आप लोग स्कैन करते हैं तो मतलब आपका फोटो का वन क्लिक के अंदर एडिटिंग हो जाएगा, जो कि देख ही सकते हो आप लोग यहाँ पर। तो आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं अगर आप लोग के पास दो फोन है तब। तो अभी क्या करते हैं, फिर से मतलब सेव एंड यूज फिल्टर के ऑप्शन में यहाँ पर एक बार हम लोग क्लिक करते हैं। और अभी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, फिर से मतलब इंपोर्ट क्यूआर कोड के ऑप्शन में यहाँ पर एक बार क्लिक करके हम लोग तीसरे क्यूआर कोड को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो हमारा तीसरा क्यूआर कोड यहाँ पर पिंक कलर टोन है, जो कि देख ही सकते हो आप लोग यहाँ पर। तो कुछ लोग यहाँ पर बोल रहे हो कि भाई ये तो मतलब रेड टोन है और आप बोल रहे हो पिंक कलर टोन है। तो देखो गाइस, यहाँ पर आप लोग सबसे पहले क्या कीजिएगा, सेव एंड यूज फिल्टर के ऑप्शन में यहाँ पर एक बार क्लिक कर लीजिएगा इस तरह से। और यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, इस पर मतलब एक बार क्लिक करके इस तरह से। और यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, एडजस्ट के ऑप्शन में क्लिक करके, एचएसएल के ऑप्शन में क्लिक करके, मतलब यहाँ पर आप लोग क्या कीजिएगा, ग्रीन कलर या ऑरेंज कलर के ऑप्शन में क्लिक करके इसके मतलब ह्यू को आप लोग चेंज करके देख लीजिएगा। जैसे ही आप लोग चेंज करेंगे तो आपका मतलब कलर यहाँ पर चेंज होने लगेगा, जो कि देख ही सकते हो आप लोग यहाँ पर। आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कलर को एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो फिर चलिए अब नेक्स्ट क्यूआर कोड को यहाँ पर हम लोग ऐड कर लेते हैं। सो गाइज, मैंने यहाँ पर क्या किया है, सारे क्यूआर कोड को यहाँ पर ऐड कर लिया, जो कि देख ही सकते हो आप लोग यहाँ पर। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कलर को सिलेक्ट कर लीजिएगा इस तरह से, और कुछ भी एडजस्टमेंट करने के लिए आप लोग यहाँ पर क्या कीजिएगा, इस पर एक बार क्लिक करके एडजस्ट के ऑप्शन में क्लिक करके आप लोग अपने अकॉर्डिंग मतलब कुछ भी यहाँ पर कर सकते हैं। लाइक आप लोग एक्सपोजर को यहाँ बढ़ा सकते हैं इस तरह से, कंट्रास्ट को भी बढ़ा सकते हैं, आप लोग अपने फोटो के हिसाब से यहाँ पर कर सकते हैं। तो अभी क्या करते हैं, सिंपली से इसको राइट क्लिक करते हैं इस तरह से। तो अब ये सब क्यूआर कोड जैसे आपके मतलब इस वाले पोलर एप्लीकेशन के अंदर ऐड हो जाएगा, तो आप लोग अपना दूसरे फोटो को भी यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर आप लोग क्या कीजिएगा, दूसरे फोटो को एडिट करने के लिए ऊपर में आप लोग को मतलब गैलरी का ऑप्शन मिलेगा, तो इस वाले गैलरी के ऑप्शन में क्लिक करके आप लोग अपने किसी और फोटो को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो लाइक मैं यहाँ पर इस वाले फोटो को गाइस यहाँ पर ऐड कर लिया हूँ, जो कि देख ही सकते हो आप लोग यहाँ पर। तो इसको वन क्लिक के अंदर एडिटिंग करने के लिए अभी आप लोग यहाँ पर क्या कीजिएगा, फिर से मतलब क्यूआर कोड के ऑप्शन में एक बार यहाँ पर क्लिक करके इस बार आप लोग यहाँ पर क्या कीजिएगा, बैच इनपुट फिल्टर के ऑप्शन पर यहाँ पर एक बार आप लोग क्लिक कर लीजिएगा और इसको यहाँ पर इस तरह से एक बार बैक कर लीजिएगा। तो जैसे आप लोग बैच इनपुट फिल्टर के ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो आप लोग सामने कुछ इस टाइप का मतलब इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो अभी आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, कोई भी मतलब क्यूआर कोड पर इस तरह से क्लिक करेंगे तो आपका फोटो गाइस यहाँ पर वन क्लिक के अंदर एडिटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि देख ही सकते हो आप लोग यहाँ पर। तो सबसे मस्त कलर टोन मेरे को यहाँ पर ये वाला लग रहा है, तो मैं यहाँ पर एक बार क्लिक करता हूँ इस तरह से। और देन यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सिंपली से इसको राइट क्लिक कर लेते हैं और अपने फेस को गाइस स्मूथ एंड वाइट करने के लिए अभी आप लोग यहाँ पर क्या कीजिएगा, रिटच के ऑप्शन में यहाँ पर एक बार क्लिक करके इसके मतलब स्किन स्मूथ को आप लोग यहाँ पर फुल इंक्रीज कर लीजिएगा और इसके स्किन शैडो को भी आप लोग यहाँ पर फुल इंक्रीज कर लीजिएगा। तो आपका फेस में हल्का सा लाइटिंग यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा और अब आप सिंपल से यहाँ से इसको राइट क्लिक कर लीजिएगा। बाकी गाइस, अगर आप लोग अपने फेस को और अच्छे तरीके से स्मूथ एंड व्हाइट करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पर इस वाला वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो आप गाइस फोटो को गैलरी के अंदर सेव करने के लिए अभी आप लोग यहाँ पर क्या कीजिएगा, शेयर के ऑप्शन में यहाँ पर एक बार क्लिक करके सेव न्यू फोटो के ऑप्शन में क्लिक करके आप लोग अपने फोटो को गैलरी के अंदर इजिली यहाँ पर सेव कर सकते हैं।